लो। तो बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर दिया है, गिफ्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दोनों बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। वेलकम टू माई चैनल। आज है मेरा बर्थडे, अभी टाइम हो रहा है रात की 12 बज चुकी हैं। मुझे अभी जस्ट चिकू ने विश किया है सबसे पहले, और यश ने विश किया है, और साथ ही साथ अनु ने भी किया है। अनु और हम दोनों जने साथ में हैं आज, और क्या पता आज मैं यहाँ पर हूँ इसलिए चिकू मेरे साथ नहीं है मेरे बर्थडे पर उन्होंने विश सबसे पहले ही किया है। फ़ोन आ गया था उनका 12 बजने से पहले और बातें चालू थी, तो फर्स्ट विश उन्होंने किया। और यश और हम दोनों, यश और उसके जीजू के बीच में तो हमेशा झगड़ा ये रहता ही है कि फर्स्ट मैं विश करूँगा। दोनों जने थोड़ी देर से झगड़ गए कि मैंने विश किया। उन्होंने विश किया, फिर यश ने किया विश, क्योंकि चुपके से कर दिया था कि हैप्पी बर्थडे करके। तो अभी मस्त 12 बज गई है, अब सो जाते हैं। विशेज जो उड़ाने थे वो आ गए हैं, अब कल सुबह सीधा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ मम्मी पापा के घर में। शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे है। अभी जस्ट उठी हूँ, ब्रश किया है, अभी ब्रेकफास्ट और ये सब चीज़ें करती हूँ, और चिकू को फ़ोन करती हूँ कि उनकी बहुत याद आ रही है मुझे आज। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा, और यहाँ पर यश भाई सब भी नहा कर आ चुके हैं, और पिनू मुझे बर्थडे विश करने आ गया है, जो कि बर्थडे विश हो चुका है, और भाभी ने भी मुझे बर्थडे विश कर दिया है। क्या हरकत है। और इसने मुझे रात को कुछ भी सरप्राइज़ नहीं दिया, मैं समझ रही थी सरप्राइज़ देगा। बताने पर ये बेटी, यो बंदो इन्हें कमरा थे कि मार कमरा विश करो तक नहीं आ गया, फोन करे मैंने। वही तो सरप्राइज है, वही तो सरप्राइज। आपके लिए सरप्राइज इतना भारी है, और मैं लगभग शाम की 6 बज सकती है। देख मेरा पति तो आने वाला है, मुझे पता है, अब तेरा बता। तो सरप्राइज बहुत अहम सरप्राइज है। 11 साल से आप उनको जानते हो, उसमें क्या नया सरप्राइज। उनके साथ हर दिन कुछ नया होता है, पागल तेरे को क्या पता। हाँ, हर दिन नया होता है, क्या पता है तेरे को। तो अभी तेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए, तू क्या कहना चाहता है। तू बोर हो गया। 4 महीने हुए, तू बोर हो गया। हां देखो, तो तू बोर हो चुका है। तो फिर पुराना नहीं होता रिश्ता, जब देखो तब नया है रिश्ता, जब जागो तब सवेरा। और जब से मेरी बहन है ये, तब से अभी अटपटे खाने क्यों बना रहा। उनको यही पसंद है, तो मैं गलके नहीं पसंद होंगे। गलके बनना ही नहीं, एक भी बार बनना है गलके। अरे यार, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो यार, जीवन में प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है, गलके पे आ गया। गलके तीनों भैया के फेवरेट, बहुत पसंद है, केकोड़े गलके करेले। मैं हो चुकी हूँ नहा कर रेडी, मेरा नहाना बाकी था, बहुत टाइम से ऐसे नैसे बैठी हुई थी, मेरी घड़ी भी यहाँ पर डिस्चार्ज हो गई है। और जैसे ही नहा के निकली, चिकू का फ़ोन आया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तू आ जा। क्या पता चिकू क्यों मुझ पर गुस्सा हो गया, आज मेरे बर्थडे के दिन भी उनको मुझ पर गुस्सा होना था। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया है, क्योंकि किस वजह से गुस्सा है वही मुझे नहीं पता, अभी तक पता ही नहीं किस वजह से गुस्सा था। अब मैं मेरी पैकिंग करती हूँ, उतने दिन जो भी रही थी वो सारे कपड़े समेटने, फिर घर जाने की तैयारी करती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी कंप्लीट जाने के लिए, यश ने भी खाना खा लिया है, भाभी ने भी खा लिया है। यश और भाभी दोनों मुझे ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं, और वहाँ पर मेरा लगेज, कुछ पुराने कपड़े मेरे यहाँ पर ही पड़े हुए थे, मम्मी ने कहा सारे ले जा, यहाँ पर पड़े रहते कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर रहेंगे तो तू पहन भी सकती है। यहाँ पर मैंने पर्स ले लिया, सारे मेरे दोनों चार्जर ले लिए, वॉच का चार्जर और मेरा चार्जर, और जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। इतने दिन रुक के फिर जाना अच्छा नहीं लग रहा। निकल चुके हैं घर से, भाभी भी पीछे तैयार होकर आ गए हैं, यश बाहर कार लेके वेट कर रहा है, गुस्सा भी हो गया है, क्योंकि औरतों वाले काम जानते ही हो, थोड़े से लेट हो ही जाते हैं। ये भाई साहब गाड़ी में बैठ चुके हैं, बाल बाल कटवा दिए, ये दाढ़ी वाड़ी भी सेट करवा दी, कहाँ गए थे।
कल्याणपुर से जैसे ही आई कपड़े चेंज किए, मम्मी के वहाँ से जो कपड़े लिए थे वो पहन लिए हैं और अभी निकल के रहे हैं उदयपुर के लिए। अब इनका क्या प्लान है, उदयपुर जाने तक का तो प्लान है ये पता चल गया है, अब आगे का क्या प्लान है? कल प्लान नहीं होगा, कहीं होटल मिल जाए खड़ा ही देगा। कुछ भी हो तेरे को बैठना है, चुपचाप जा, गाड़ी जा रही है वहाँ जाना है। अरे मम्मी चुके हैं उदयपुर, मुझे कुछ भी प्लान का पता नहीं है। मैं, चिकू, यश, भाभी, हम चारों जने अभी जाने वाले, बिना दी के यहाँ पे जाने वाले, फर्स्ट बिना दी के यहाँ जाएंगे। एक पार्सल लेना है, वो कलेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे का जो भी प्लान है वो बता। आपकी तरह बिल्कुल अननोन हूँ। हम मिट्टू के लिए पिंजरा लेने आए हैं, लास्ट टाइम आए थे तो ले नहीं पाए थे, तो अभी फाइनली हमको शॉप खुली हुई मिल गई है, तो देख लेते हैं अगर हमको जैसा चाहिए वैसा मिलता है। अरे आप ये वाला पिंजरा फाइनल हो गया मिट्टू के लिए, कंप्लीट सब चीजें हैं, झूला वूला सब है। और कैसे हो? सेकंड तो भाई नहीं गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गिफ्ट मेरा आ गए हैं बिना दीदी के घर पे, और मैं और भाभी दोनों यहाँ पर वेट कर रहे हैं। चुकू थोड़ा मार्केट का काम है तो मार्केट का काम करने के लिए गए हैं। चुकू अभी थोड़ा काम करके जैसे ही आते हैं फिर सब जने निकल रहे हैं। अभी हम सब जने अब जा रहे हैं, चुकू और ये लोग वहीं पर हैं, पर चुकू का फ़ोन आया है कि तुम ही हमारे पास आ जाओ, हम क्यों वापस से आए, तो पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं और कुछ प्लानिंग कुछ भी पता नहीं है अभी तक। दो तीन हालांकि मेरे सामने रेस्टोरेंट्स तो देख रहे थे पर किस में जा रहे हैं वो फाइनल अभी तक हुआ नहीं है। बिना देव जी आज भी रेडी हो गए, भाभी भी हो गए, कहने हो गए क्या तैयारी है हम दोनों तक सुबह से ऐसा बोल। अब अभी फेस पे क्या लगा रहे हो, आपका फेस बहुत अच्छा हो गया। मैं वही मिशेल वाला ही लगा रहे। होटल जोरदार है, दिखने में जोरदार है। हाँ दिखने में तो अच्छी है, खाने में कैसी हो? चलो तो अभी हम आ गए हैं विस्लिंग होटल करके कुछ नाम प्रॉपर मेरे को भी पता नहीं है, तो हम पहले आ गए चुकोर, ये लोग तो पहुँचे ही नहीं है। होटल के एकदम रूफ टॉप पे आ गए हैं, तो यहीं पर हमारी टेबल बुक कर रहे हैं क्योंकि ना फ़ोन लग ही नहीं रहा था और इतना अच्छा व्यू है। कैसा लगा आपको व्यू? जो ठंड भी लग रही है, ठंड लग रही है। आकर
कपड़े क्रीम पिलाई मैंने। जीजू यस एक बार गैस अभी खोलो मत। अंदाजा नहीं, छोटी सोच मम्मी यार, बड़ी सोच रखो। परफ्यूम ही है। कितने का होगा? चंडा जी एक खुद ले लिया। अभी आप समझी नहीं गिफ्ट क्या है, आप अभी भी नहीं समझी गिफ्ट क्या है। खुद के लिए निकालो परफ्यूम। हाँ ये तो प्रिपरेशन है हमारी। अरे निकालो, पूरा निकालो। एक बोतले बोतले ये जोरदार था। और भी कुछ है अंदर? पर ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। iPhone 13 बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर दिया है। गिफ्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोनों बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे, जो कि एकदम मुझे सरप्राइज़ मिला है प्रॉपर। इस बार तो चिकू ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया है, और ये सरप्राइज़ देने का उनको मौका मिल गया, क्योंकि मैं अब की बार कल्याणपुर थी। इस चीज़ का उनको मज़ा आ गया, और इन्होंने बहुत अच्छा एक सरप्राइज़ प्लान कर दिया है। यहाँ पर यश का चल रहा है फ़ोटोशूट। आ जाओ ना। होटल से हम निकल के बिनादी के घर पे आए, और फिर अब हमारी गाड़ी में आ गए, और बस अभी यहाँ पे फ़ोनों की बातें हो रही है, कौन सा फ़ोन किसको देना है और कौन सा ख़रीदना है। और चलो अब चलते हैं। ध्यान से जाना। कम जिसको भी फ़ोन चाहिए कमेंट कर दो, बहुत सारे फ़ोन बिका हुए। जिसको भी चाहिए। हाँ इस फ़ोन के मेरे को 50,000 दे तो मैं खुश हूँ। इतने का फ़ोन ही नहीं है। बात सीरियस है। एक्सक्लूसिव है ना, हनी होशांग पंचाल ने यूज़ किया। कवर फ्री। चार्जर भी देगा बॉक्स के साथ। बोल देना चार्जर भी देगा बॉक्स के साथ, जो कि आजकल तो आ ही नहीं रहे। आजकल आ ही नहीं रहे, रेड केबल दे रहा हूं। ले बाय। चल ओके, चलो बाय बाय, आराम से जाना। वाह दिया जी मिल गए। ठीक है, नहीं मिले दिया के ना। बाय बनी, बाय बनी। दूर 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 यहां चल जाएगा, इसके तो जाएगा। पूरे ट्रैफिक को चीरते हुए हम जा रहे हैं। सर्विस लाइन से हम जा रहे हैं, और ये हमको बुद्धि इसलिए आई क्योंकि लास्ट टाइम जो हम आए थे उसमें हमको 1.5 घंटा ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ा था, और यश और ये लोग थर्ड टाइम पहले आके गए, तो इन्होंने उस टाइम पे अब तो चालू हुआ इनको ना। इधर भी सर्विस लाइन में भी खड़ा रहना पड़ेगा क्या शायद? तो आप भी अगर तो गाइस फाइनली मेरे रूम में मैं आ गई हूँ, और रूम में आके तो इतना सुकून लग रहा है, यानी पूछो मत, बहुत ज़ोरदार। और ऑल ओवर आज मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया। मेरा बर्थडे पूरा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, सारा इतना अच्छे से चिकू ने प्लान किया था, यश और दोनों ने मिलके।
हालांकि हम मम्मी पापा के साथ मनाने वाले थे बर्थडे, पर फिर प्लान हुआ उदयपुर चलते हैं। फिर उदयपुर गए, अच्छे से डिनर वगैरह प्लान किया था और मुझे मेरा गिफ्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, परफ्यूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा और मेरा फ़ोन भी। मुझे यानी ये फ़ोन तो बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं क्या, आप सबने देखा होगा मैं सैमसंग ही यूज़ करती हूँ, मैं आईफोन यूज़ ही नहीं करती हूँ, पर चिकू को लगा कि अब रोमा को ये यूज़ करना चाहिए और मुझे भी अच्छा लगा फ़ोन, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसे ही मेरा बर्थडे स्टार्ट हुआ, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है वो मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताऊँगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती पर वो चिकू ने सब संभाल दिया। चिकू के मेरी सबके यानी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, पर चिकू को जैसे ही पता चला चिकू ने सब कुछ हैंडल कर दिया और अब भी वो चिकू पूरा उसकी जड़ तक जा रहे हैं, पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर जब ये पूरा मैटर है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी क्या प्रॉब्लम हुई थी। बाकी वो सब चलो चीज़ें सब साइड में रखते हैं। मेरा बर्थडे चिकू ने बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दिया, यानी मुझे बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया और मेरा बर्थडे बहुत अच्छा मनाया। बर्थडे बहुत बार चिकू ने अच्छा प्लान किया है बट ये वाला तो बेस्ट था और बहुत कम टाइम में उन्होंने इतना प्लान कर दिया। मैं 2 बजे तो ऋषभ देव से उदयपुर ले गए, उदयपुर से हम 10-10:30 बजे तक तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। 11 बज चुके हैं पर घर पर आया या शोरिन को बाय किया तो 11 बज गई है, पर ऑल ओवर मेरा बर्थडे बेस्ट था, बेस्ट। पर एक कमी थी, चिकू जब मेरा बर्थडे स्टार्ट हुआ था तब मेरे साथ नहीं थे, उसकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, पर ऑल ओवर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। अगर आज का मेरा बर्थडे अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।